हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायन्सेफेलॉन की। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का जो टॉपिक है वो डायन्सेफेलॉन है, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए लिटिल बिट ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट को हम बाद में देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी जो डायन्सेफेलॉन है ये कैसे डेवलप होता है और ये कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। यहाँ पर हम फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे, ओके। सो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, स्पर्म और एग आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है, एंड जो रिजल्ट बनेगा वो है जाइगोट, ठीक है। अब जो जाइगोट है ये डिफरेंट स्टेज को क्रॉस करेगा, ठीक है, जैसे कि मोरुल्ला है, ब्लास्टोसिस्ट है, ओके। अब जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रीन कैविटी में पहुँचेगा वहाँ पर इसका इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। एंड इम्प्लांटेशन के बाद ग्रेजुअली क्या होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो चेंज होगा बाइलेमिनार डिस्क में, ओके। एंड बाइलेमिनार डिस्क विल इवेंचुअली चेंज इन टू ट्राइलेमिनार डिस्क, ठीक है। ट्राइलेमिनार डिस्क में हमारे पास सबसे पहले जो आउटर मोस्ट सेल्स का जो लेयर है वो है एक्टोडर्म, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक्टोडर्मल सेल्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो ये वाली पिक्चर है, दिस इज़ द अनदर व्यू ऑफ ट्राइलेमिनार डिस्क, ठीक है। एक्टोडर्म के बाद जो मिडल वाला सेल लेयर आता है इसका नाम है मीजोडर्म, ठीक है। सो यहाँ पर दिस इज़ द मीजोडर्म। मीजोडर्म के बीच में यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लाई करता है जिसे हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। जब बाइलेमिनार डिस्क से ट्राइलेमिनार डिस्क बनती है एट दैट टाइम नोटोकॉर्ड इज़ फॉर्मड, ओके। एंड फाइनली जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोडर्म, ओके। सो दिस इज द एंडोडर्म। नाउ ड्यूरिंग ट्राइलेमिनार डिस्क क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड है दिस नोटोकॉर्ड विल रिलीज सम स्पेशल ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है। एंड जो ये ग्रोथ फैक्टर्स है ये एक्ट करेंगे एक्टोडर्मल सेल्स पे, ठीक है। एंड जिन जिन सेल्स पे ये एक्ट करते हैं दीज सेल्स विल डिफरेंशिएट इनटू एडिशनल थिकेंड लेयर, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल लेट दिस बी द एडिशनल थिकेंड लेयर, ओके। अब जो ये दूसरा लेयर बन गया यहाँ पर, ओके, जो ये लेयर है सेल्स का ये बेसिकली एक्टोडर्मल सेल्स है, ठीक है ना। अब ये सेल्स जो है ये डिफरेंशिएट हो गई है इनटू दिस लेयर, ओके। इस थिकेंड लेयर ऑफ सेल को हम बोलेंगे न्यूरल प्लेट, ठीक है। अब जो ये न्यूरल प्लेट है, ओके, सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द न्यूरल प्लेट, ठीक है। अब जो ये न्यूरल प्लेट है ये सेंटर में डिप्रेस हो जाएगा, ठीक है। एंड जो इसके जो साइड्स है ये इलेवेट हो जाएंगे लाइक दिस, एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब। सो फाइनली न्यूरल प्लेट से हमारे पास आएगा न्यूरल ट्यूब, ओके। अब जो ये न्यूरल ट्यूब है यहाँ से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट है वो स्टार्ट होती है, ओके। नाउ जो न्यूरल ट्यूब है, ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट दिस इज़ द न्यूरल ट्यूब। एंड जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ओके, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं दिस इज़ नोन एज प्री कोडल प्लेट, ठीक है। जो प्री कोडल प्लेट होता है दिस इज़ द फ्यूचर माउथ ऑफ बेबी, ओके। सो दैट मीन्स जो ये वाला एंड है दिस इज़ द सेफेलिक एंड, ओके, दिस इज़ द सेफेलिक एंड, दिस इज़ द सेफेलिक एंड, ओके। सो यहाँ पर भी जो ये वाला एंड है दिस एंड विल बी द सेफेलिक एंड, ओके, ठीक है। सो यहाँ पर दिस इज़ द प्री कोडल प्लेट एंड ये है न्यूरल ट्यूब, ठीक है। अब जो न्यूरल ट्यूब है दिस न्यूरल ट्यूब विल अंडरगो सम डिफरेंशिएशन, ओके। यहाँ पर क्या होगा, जो न्यूरल ट्यूब का जो अपर पार्ट है, ठीक है, ओके, लेट मी इरेज दिस फर्स्ट ऑफ ऑल। जो न्यूरल ट्यूब का जो अपर पार्ट है, ओके, सो दिस इज द न्यूरल ट्यूब एंड दिस इज द अपर पार्ट ऑफ न्यूरल ट्यूब, ठीक है। दिस अपर पार्ट विल डेवलप सम बाइलेटरल स्वेलिंग्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाइलेटरल दोनों साइड से ये स्वेलिंग्स डेवलप हो जाएंगी एंड दीज स्वेलिंग्स आर नोन एज प्राइमरी वेसिकल्स, ठीक है, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ठीक है, फिर यहाँ से आएगा लाइक दिस। अब जो ये प्राइमरी स्वेलिंग्स है, प्राइमरी वेसिकल्स जो है, वी हैव अ प्रॉपर नेम फॉर दीज वेसिकल्स, ठीक है। सो जो सबसे आगे जो सबसे एंटीरियर में लाई करेगी दिस वन इज नोन एज प्रोजेंसेफेलॉन, ठीक है, प्रोजेंसेफेलॉन, और वी कैन से फोर ब्रेन, ठीक है। उसके बाद जो ये मिडल वाली है दिस वन इज नोन एज मेसेंसेफेलॉन और वी कैन से मिड ब्रेन, ठीक है। एंड फाइनली जो ये वाली स्वेलिंग है दिस इज नोन एज रोम्बेंसेफेलॉन, ठीक है, रोम्बेंसेफेलॉन और वी कैन से हाइंड ब्रेन। एंड जो ये वाला स्ट्रक्चर है दिस स्ट्रक्चर विल बिकम स्पाइनल कॉर्ड, ओके। सो ये हो गया हमारा
सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो ये वाला पार्ट है जो प्राइमरी वेसिकल्स है, दिस विल कम अंडर दी ब्रेन एंड यहाँ से आएगा फिर स्पाइनल कॉर्ड। ओके सो जो सबसे पहली वाली स्वेलिंग है, दिस प्राइमरी स्वेलिंग इज नोन एज प्रोसेंसेफेलॉन, उसके बाद मीजेंसेफेलॉन एंड फाइनली रोमबेंसेफेलॉन। ठीक है, दीज आर द बाइलेटरल स्वेलिंग्स। ओके नाउ हम यहाँ पर भी देख सकते हैं जो प्राइमरी वेसिकल्स है, फर्स्ट वेसिकल इज द प्रोसेंसेफेलॉन, मीजेंसेफेलॉन एंड रोमबेंसेफेलॉन। ठीक है, अब जो ये प्राइमरी वेसिकल्स हैं ये डिवाइड करेंगे। ओके दीज प्राइमरी वेसिकल्स विल स्टार्ट डिवाइडिंग एंड विल फॉर्म सेकेंडरी वेसिकल्स। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे खाली प्रोसेंसेफेलॉन लूँ मैं, सो दिस इज द प्रोसेंसेफेलॉन। ओके प्राइमरी वेसिकल है ये। नाउ दिस प्राइमरी वेसिकल विल डिवाइड इंटू सेकेंडरी वेसिकल। सो यहाँ पर ये दो स्वेलिंग्स बनाएगा अब। ठीक है, लाइक दिस, ये होगी फर्स्ट स्वेलिंग विच इज़ हाईली डेवलप्ड एंड दिस वन इज दी सेकेंड स्वेलिंग। ओके जो एबिट थोड़ी सी कम ही डेवलप होती है। ठीक है, नाउ यहाँ से यहाँ पे था, दिस वॉज प्रोजेन सेफेलॉन। ओके नाउ दिस वन इज नोन एज टीलेन सेफेलॉन एंड डायन सेफेलॉन। ठीक है, डायन सेफेलॉन जो है दिस इज आर टूडेज टॉपिक। ओके सो डायन सेफेलॉन डेवलप होता है फ्रॉम प्राइमरी वेसिकल विच इज नोन एज प्रोजेन सेफेलॉन और फोर ब्रेन। ठीक है, अब जो ये डायन सेफेलॉन है इसको हम अभी डिटेल में देखेंगे, सबसे पहले इनका भी देख लेते। ओके जो यहाँ पे जो प्राइमरी वेसिकल था मीजन सेफेलॉन, ठीक है, मीजन सेफेलॉन विल रिमेन एज इट इज, ये डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, एंड जो रोमबेन सेफेलॉन है वो रोमबेन सेफेलॉन विल अंडरगो डिविजन एंड ये जो सेकेंडरी वेसिकल जो इसके बनेंगे, एक तो होगा मीटेन सेफेलॉन एंड माइलेन सेफेलॉन। ठीक है, माइलेन सेफेलॉन। ओके उसके बाद फिर स्पाइनल कॉर्ड आएगा। ओके सो दीज टू आर द सेकेंडरी वेसिकल्स विच आर डेवलप्ड फ्रॉम प्रोजेन सेफेलॉन। मीजन सेफेलॉन रिमेन्स एज इट इज, मीटेन सेफेलॉन एंड माइलेन सेफेलॉन जो है ये डेवलप होते हैं कहाँ से, फ्रॉम रोमबेन सेफेलॉन। ठीक है, हाइंड ब्रेन। ओके दिस इज द पॉन्स एंड दिस इज द मेडल्ला। ओके नाउ लेट सी द टुडेज टॉपिक विच इज अबाउट डायन सेफेलॉन। ओके यहाँ तक तो दिस वॉज अबाउट एम्ब्रियोलॉजी, हाउ डायनसेफेलॉन डेवलप्स। ठीक है, और ये कहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर इस फिगर में अगर हम देखेंगे जो डायनसेफेलॉन है इट इज़ लोकेटेड जस्ट अबाउ द मिड ब्रेन। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है दिस इज द मिड ब्रेन। ओके मिड ब्रेन के जस्ट अबो लाई करेगा डायनसेफेलॉन। ठीक है, एंड जो डायनसेफेलॉन है ये पार्ट है किसका, फोर ब्रेन का। ओके सो डायनसेफेलॉन दिस इज ए पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ओके एंड अगर हम देखेंगे जो डायनसेफेलॉन है इट इज सराउंडेड बाय टीलेनसेफेलॉन। ठीक है, टीलेनसेफेलॉन। ओके यहाँ पर दिस इज द डायनसेफेलॉन। ठीक है, नाउ अब हम देखेंगे व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन डायनसेफेलॉन। ओके डायनसेफेलॉन में जो सबसे पहला वाला स्ट्रक्चर आएगा वो है थैलेमस। ओके हमारे पास दो थैलेमाई है ना, एंड जो थैलेमस है इट इज़ अ बिग मास ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इस पिक्चर में जो थैलेमस है इट लाइज जस्ट अबो द मिड ब्रेन। ओके यहाँ पर दिस इज द मिड ब्रेन एंड दीज आर द टू थैलेमाई। ठीक है, ये सेक्शन है थैलेमाई का। ओके एंड आगे वाले लेक्चर्स में भी हम देखेंगे जो थैलेमस है इट एक्ट्स एज ए रिले स्टेशन। ओके एंड ऑल्सो जो थैलेमस है इसको हम डॉर्सल थैलेमस भी बोलते हैं। ठीक है, और जो थैलेमस है ये एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, मेनली जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है विद इन द थैलेमस। ठीक है, एंड अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, नाउ अभी हम फिलहाल क्या देखेंगे, व्हाट आर द अदर स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन द डायनसेफेलॉन। ठीक है, सो दिस वाज द थैलेमस। थैलेमस के बाद जो सेकेंड स्ट्रक्चर आता है वो है थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल को हम बोलते हैं कैविटी ऑफ डायनसेफेलॉन। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल बेसिकली जो थर्ड वेंट्रिकल है इट इज़ अ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूड फिल्ड एक्सपेंडेड कैविटी। ठीक है, एंड इट इज़ अ सिल्ट लाइक स्ट्रक्चर। ओके यहाँ पर अगर मैं थर्ड वेंट्रिकल को ड्रॉ करूँगा, ठीक है, ये बिटवीन द टू थैलेमाई लाई करेगा। ओके फॉर एग्जाम्पल दिस, सो यहाँ पर दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, एंड जो थर्ड वेंट्रिकल है इट इज नोन एज दी कैविटी ऑफ डायनसेफेलॉन। ओके एंड इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू थैलेमाई। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के बाद वी हैव अ सेंट्रल स्वेलिंग, ठीक है, जिसका नाम है पाइनियल ग्लैंड।
पाइनियल ग्लैंड। ओके, पाइनियल ग्लैंड जो है इट इज अ सेंट्रल स्वेलिंग, ठीक है, लाइक दिस। दिस इज द पाइनियल ग्लैंड, ठीक है, एंड ये इट लाइज पोस्टीरियर टू द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। सो ये तो हो गया पाइनियल ग्लैंड। ओके, इट इज अ सेंट्रल स्वेलिंग। पाइनियल ग्लैंड के बाद अगर हम देखेंगे, वी हैव हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई, ठीक है। जो हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई है, ये फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे दूसरा हो गया हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई। ओके, हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई, ओके, दीज आर टू इन नंबर। ओके, एंड दीज लाई जस्ट एंटीरियर टू पाइनियल बॉडी। ओके, पाइनियल ग्लैंड के एंटीरियर में ये लाई करते हैं, ठीक है। दीज टू डॉट्स हियर, दीज आर द हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई, ठीक है। ये भी आते हैं किसमें, गाइनसेफेलोन में। ओके, नाउ जो पाइनियल ग्लैंड है विद दीज टू हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई, इसे हम बोलते हैं एपिथैलेमस। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, पाइनियल ग्लैंड प्लस टू हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई, इसे हम बोलते हैं क्या, एपिथैलेमस। ओके, एपिथैलेमस। ओके, दिस इज थैलेमस, दिस इज थर्ड वेंट्रिकल, एंड पाइनियल ग्लैंड विद टू हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई, इसे हम बोलते हैं एपिथैलेमस। ओके, एपिथैलेमस के बाद हमारे पास आता है हैबिन्यूलर कमिश्चर, दैट मीन्स द फाइबर्स विच आर ज्वाइनिंग दीज टू हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई, ठीक है। इन फाइबर्स को हम बोलते हैं हैबिन्यूलर कमिश्चर। ओके, एंड जो ये हैबिन्यूलर कमिश्चर है, इट विल पास थ्रू दी अपर पार्ट ऑफ दिस पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। जो पाइनियल ग्लैंड का जो स्टॉक होगा, इसका जो अपर पार्ट है, वहाँ से ये पास करेंगे। ओके, सो दिस इज द हैबिन्यूलर कमिश्चर। ओके, हैबिन्यूलर कमिश्चर, इट जॉइन्स द टू हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई। ओके, हैबिन्यूलर कमिश्चर के बाद हमारे पास फिर हाइपोथैलेमस आता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। ओके, सो यहाँ पर दिस इज द हाइपोथैलेमस, यहाँ से हाइपोथैलेमस स्टार्ट होगा। ओके, इसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमिक सल्कस। ओके, यहाँ से स्टार्ट होगा हाइपोथैलेमस, लाइक दिस, एंड ये आगे एक्सटेंड करता है। ओके, हाइपोथैलेमस है, इट इज़ अ शीट ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है, एंड इट लाइज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द थैलेमस। ये थैलेमस है, थैलेमस के आगे लाई करेगा हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस फिर एक्सटेंड करेगा आगे तक, इट इज़ अ शीट ऑफ ग्रे मैटर। ओके, एंड ऑल्सो और एक स्ट्रक्चर है जो डायन्सेफेलॉन में आता है, जिसे हम बोलते हैं सब थैलेमस, ठीक है। यहाँ पर एक स्मॉल मास ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है, यहाँ पे लाई करेगा पीस ऑफ ग्रे मैटर जस्ट इन्फीरियर टू थैलेमस, इसे हम बोलेंगे सब थैलेमस। ओके, सब थैलेमस, वी हैव सब थैलेमस, वी हैव थैलेमस, वी हैव एपिथैलेमस। ओके, ठीक है, सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन डायन्सेफेलॉन। ऑल्सो यहाँ पर और भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि वी हैव हियर कम्स द लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ओके, एंड वी हैव मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, इन दोनों को हम इकट्ठे बोलते हैं मेटाथैलेमस, ठीक है। डॉर्सल थैलेमस और सिंपली थैलेमस, सब थैलेमस, एपिथैलेमस एंड मेटाथैलेमस। ओके, एंड फिर यहाँ से जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस का यहाँ से ट्यूबर साइनेरियम आएगा। ओके, स्वेलिंग यहाँ से फिर आएगा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंड यहाँ पर लाई करेगा मैमिलरी बॉडी, ठीक है, ऑफ हाइपोथैलेमस। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन डायन्सेफेलॉन, ठीक है। ऑल्सो हाइपोथैलेमस के बारे में मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, दैट जो हाइपोथैलेमस है, इट वेज ओनली अबाउट 4 ग्राम्स, ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू फंक्शन, बॉडी का वो कोई पार्ट नहीं है जहाँ पर हाइपोथैलेमस का इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। सो वी कैन से दैट हाइपोथैलेमस का जो वेट है एंड हाइपोथैलेमस की जो फंक्शन है, दीज टू थिंग्स आर इन डिसप्रोपोर्शनेट रिलेशन टू ईच अदर, ठीक है। एंड फाइनली मैं और एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा जिससे ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर मैं और एक डायग्राम ड्रॉ करूँगा। ओके, सो डायन्सेफेलॉन की जब भी बात होती है, तो सबसे पहला जो डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे वो है
थैलेमस का। ओके तो ये तो हो गया सबसे पहला वाला, ये हो गया दूसरा थैलेमस। ठीक है, थैलेमस के बाद हम मिड ब्रेन का जो पोर्शन है उसे ड्रॉ करेंगे। ओके यहाँ से फिर पॉन्स एंड मेडल आएगा नीचे। ओके ये तो हो गया मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन के बाद ये तो हो गया थैलेमस। नाउ दोनों थैलेमस के बीच में एक स्लिट लाइक कैविटी लाई करती है। ओके जिसे हम बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल। ओके दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, ये होगी थर्ड वेंट्रिकल। और फिर थर्ड वेंट्रिकल के पोस्टीरियर में हेयर वॉज द पाइनियल ग्लैंड। ओके दिस इज द पाइनियल ग्लैंड सेंट्रल स्वेलिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हैबिन्यूलर न्यूक्लिया। ओके जस्ट एंटीरियर टू द स्टॉक ऑफ पाइनियल ग्लैंड। ओके एंड जो फाइबर्स हैबिन्यूलर न्यूक्लिया को आपस में कनेक्ट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं हैबिन्यूलर कमिश्चर। ओके एंड हैबिन्यूलर न्यूक्लियाई प्लस हैबिन्यूलर कमिश्चर विद पाइनियल ग्लैंड इज नोन एज एपिथैलेमस। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर लाई करता था बिलो द थैलेमस इन्फीरियर टू थैलेमस, दिस इज नोन एज सब थैलेमस। ओके एंड यहाँ पर फिर दिस वॉज द हाइपोथैलेमिक सल्कस, यहाँ से फिर शुरू होगा हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, दिस इज द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस में यहाँ पर एक स्वेलिंग थी जिसे हम बोलते हैं ट्यूबर साइनेरियम। ओके एंड देन यहाँ से फिर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके एंड यहाँ पे था हाइपोथैलेमस का मेमिलरी बॉडी। ठीक है, ओके एंड ऑल्सो यहाँ पर दो न्यूक्लियाई लाई करते हैं, एक तो हो गया लेटरल जेनिकुलेट बॉडी एंड मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। इन दोनों को हम इकट्ठे में बोलते हैं मेटाथैलेमस। ठीक है, दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन डायनसेफेलॉन। ठीक है, नाउ और एक बात आती है दैट इज रिगार्डिंग ऑप्टिक नर्व। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं आई बॉल्स को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, आई बॉल्स से फिर उसके बाद फिर ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व यहाँ पे बनाएगा ऑप्टिक कियाज्मा। ठीक है, दिस इज द ऑप्टिक कियाज्मा। ओके नाउ जो ऑप्टिक कियाज्मा है इसके यहाँ पर फिर पोस्टीरियर में लाई करेगा हाइपोथैलेमस। ओके यहाँ पर लाई करेगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो ये ऑप्टिक ट्रैक्ट है दिस इज ऑप्टिक नरु, दिस इज ऑप्टिक कियाज्मा एंड दिस इज ऑप्टिक ट्रैक्ट। ओके फिर जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है ये जाएगा लाइक दिस और यहाँ पे आएगा थैलेमस, लेट दिस बी द थैलेमस। ओके यहाँ पे और एक थैलेमस हो गया एंड यहाँ पर जो ये स्वेलिंग थी लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, दिस विल कनेक्ट टू दिस लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। ठीक है, नाउ जो ऑप्टिक ट्रैक्ट है दिस ऑल्सो इज डिराइव्ड फ्रॉम डायनसेफेलॉन। ठीक है, ऑप्टिक ट्रैक्ट जो है दिस ऑल्सो इज डिराइव्ड फ्रॉम द डायनसेफेलॉन। ओके सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट डायनसेफेलॉन एंड द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इन डायनसेफेलॉन। ओके अगर आप चाहते हो कि मैं हर किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर अपलोड करूँ, ओके सो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो एंड आई विल फॉलो इट। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।